नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है ऋचा चड्ढा के लिए। जी हाँ, ऋचा चड्ढा एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है एंड वो हाल में न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि पायल घोष एक दूसरी अभिनेत्री ने एक खुलासा किया कि कैसे ऋचा चड्ढा को ब्रेक मिली बॉलीवुड के अंदर। उसने कहा कि ऋचा चड्ढा के शारीरिक संबंध थे अनुराग कश्यप के साथ एंड अनुराग कश्यप गेव हर अ ब्रेक बिकॉज ऑफ दैट। नाउ ऋचा चड्ढा के आज के तारीख में एक बॉयफ्रेंड है और वो बॉयफ्रेंड का नाम है अली जफर, जो काफ़ी रेडिकल इंसान है। बहुत गाली गलौज करते हैं लोगों के साथ जो उनकी गलतियां या उनके धर्म की गलतियां यू नो एक्सपोज करना चाहते हैं। वही ऋचा चड्ढा आज की तारीख में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटोग्राफ अपनी टी शर्ट पर लगा कर पहन कर कहती है लोगों को कि कैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो पैदा हुए थे एक दलित परिवार के अंदर, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ भारतीय बने क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा। तो वही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे हैं भारत के दलितों को गुमराह करके। उनमें से एक कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जय भीम। तो ये जय भीम के कोई चंद्रशेखर के साथ स्वरा जैसी बी ग्रेड अभिनेत्री भी गई थी दिल्ली के अंदर और मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले उसके लिए खड़ी हो गई थी क्राउड के अंदर प्ले कार्ड पकड़ के। प्ले कार्ड के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटोग्राफ थी और लिखा हुआ था देश बचाओ संविधान बचाओ। तो इन दोनों औरतों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ जो आज की तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर की फैंस हैं, चेली हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब ज़रूर पढ़ना क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना आप सीख गए होंगे। तो इतनी सारी फिल्में कर ली है बॉलीवुड के अंदर तो हिंदी पढ़नी तो आती होगी, तो एक किताब पढ़ना बाबा साहब अम्बेडकर की। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया और वो किताब पढ़कर आपको पता चल जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या थी ओवर रेडिकल इस्लामिस्ट। और भारत के अंदर दलितों को भारत के खिलाफ मत करिए, दलित जो है वो भारतीय हैं। आप हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं ये कह के कि सनातन धर्म के अंदर जातिवाद है क्योंकि आपके अंदर बुद्धि नहीं है। आप ऑब्वियसली समझते हैं कि सनातन धर्म गलत है एंड इस्लाम सही है, ये आपकी सोच है, आप अपनी सोच रख सकते हैं, मगर बिकॉज आप बाबा साहब अम्बेडकर के चेलियां हैं आप उनकी किताब जरूर पढ़ना। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप उनकी फोटोग्राफ लेना तो छोड़ दीजिए, आप अपने बिलों में फिर से जाके छुप जाएंगे क्योंकि आपने जिस तरह से सीए के नाम पे दिल्ली में आतंक किया वैसे ही आप उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक करना चाहते थे मनीषा वाल्मीकि की मौत से, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि की मौत के ऊपर खुलासा अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है और पता चल रहा है कि कैसे कांग्रेस और मीडिया मिली हुई थी उसकी मौत को गलत तरीके से एक फेक नैरेटिव द्वारा स्पिन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको यूपी सरकार गिरानी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा और आपकी सच्चाई लोगों को पता चलेगी। तो ये वीडियो स्पेशली ऋचा चड्ढा और स्वरा के लिए और उनसे ये दरखास्त है कि बाबा साहब अंबेडकर की चेलियां बन गई हो तो उनकी ये किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जरूर पढ़ना। नमस्ते, जय हिंद।